बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत के मुंबई स्थित ऑफिस में आज सुबह बीएमसी ने तकरीबन 10:30 बजे के आसपास नया नोटिस लगाया था। बीएमसी ने इस नोटिस में साफ तौर पे लिखा था कि कंगना का ये जो ऑफिस है ये कहीं ना कहीं अवैध निर्माण है, जिसके बाद कंगना के ऑफिस को बीएमसी की तरफ से तोड़ा जा रहा है। इसके पहले भी कंगना के इस ऑफिस दफ्तर में जो है बीएमसी ने नोटिस लगाया था, जिसमें बीएमसी ने कंगना की तरफ से जवाब मांगा था। तो वही कंगना ने भी बीएमसी से 7 दिन का समय मांगा था कि 7 दिन में वो जवाब दे देंगे। इसके बावजूद बीएमसी ने कहीं ना कहीं तत्कालीन कार्यवाही करते हुए आज जो है कंगना रनावत के मुंबई में जो स्थित उनका ऑफिस है उसे तोड़ा जा रहा है। सुबह ही तकरीबन नोटिस लगाया और उसके बाद ही तत्कालीन जो है उनके दफ्तर को बीएमसी की तरफ से तोड़ा जा रहा है, जिसके बाद कंगना ने तुरंत मुंबई हाईकोर्ट में भी अपील कर दी है। अब ये देखना होगा कि जब कंगना मुंबई में दोपहर को 2:30-3 बजे के आसपास कंगना जो है वो मनाली से मुंबई लौटेंगी, उसके बाद कंगना देखा जाएगा कि कंगना अपने दफ्तर जाती है या फिर वो अपने घर की तरफ जाती है, क्योंकि बीएमसी ने उनसे पहले ही 24 घंटे में जवाब मांगा था, जिसके बाद कंगना ने उनसे कहा था कि 7 दिन का मुझे मोहलत चाहिए। लेकिन बीएमसी ने कहीं ना कहीं कंगना की बात को न सुनते हुए वो तुरंत तत्कालीन जो है उनके दफ्तर में तोड़फोड़ कर रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जिस तरह से बीएमसी उनके दफ्तर को तोड़ रही है, जेसीबी की जो गाड़ी है, हथौड़े, वो सबके साथ बीएमसी वहां पे सुबह पहुंची और उनके दफ्तर को तोड़ जा रहा है। बाहर से भी उनके दफ्तर को तोड़ा गया और अंदर जो है ऑफिस के अंदर उनकी भी तोड़फोड़ की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अंदर पूरी तरह से तोड़फोड़ किया गया है और कहा यह भी जा रहा है कि आगे और भी उनके दफ्तर को तोड़ा जा सकता है। फिलहाल बीएमसी इस पे कह रही है कि जितना अवैध निर्माण था उतना ही तोड़ा गया है, लेकिन जिस तरह से जेसीबी की वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे मशीनें जो खड़ी है, इसे ऐसे अंदाजा लगा सकता है कि और भी आगे जो है कंगना रनावत के दफ्तर को तोड़ा जा सकता है। फिलहाल अभी तक जो है कंगना ने एफआईआर फाइल कर दी है, को हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई कुछ देर में ही चलेगी। इसके अलावा कंगना है जो दोपहर को मुंबई लैंड करेंगी, देखा जाएगा कि कंगना आते ही किस तरह का वो एक्शन लेती है, बीएमसी से किस तरह से वो सवाल जवाब करती है। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।